नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का 3,000 करोड़ का एक ऐसा स्कीम है जिसमें ये बोला जाए जिसके वजह से 18 साल की उम्र तक लड़कियां अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं जो दलित आदिवासी कम्युनिटी से है, और इसके वजह से उन पे जो शादी का जो दबाव रहता है वो भी कम होता है। लेकिन हाल फिलहाल में ये देखने को आया है कि IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ संस्था द्वारा एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये बोला जा रहा है कि 3,000 करोड़ का जो ये फंडिंग, ये स्कॉलरशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसको बंद कर दिया जाए। और हम ये देखने को भी मिला है कि पिछले साल RSS BJP द्वारा परिचालित हमारे केंद्र सरकार इस स्कीम को, इस स्कॉलरशिप के स्कीम की फंडिंग को कितना 99.1% घटा दिया है, यानी कि पिछले साल जिसका बजट 110 करोड़ था उसको इस बार 1 करोड़ बजट मिला है सिर्फ। IEG रिपोर्ट अपने रिपोर्ट में ये बोला है कि ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप, ये स्कीम को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप का स्कीम राज्य, बहुत सारे राज्य सरकार चलाते हैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा हमारे दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिस्ट में आते हैं, तो सिर्फ जिम्मेदारी राज्य सरकार पे क्यों दिया जाए? स्कॉलरशिप की चलाने की जिम्मेदारी या बेहतर बनाने की जिम्मेदारी स्कॉलरशिप स्कीम के द्वारा लोगों का हाल, स्टूडेंट छात्राओं का हालत, उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकार को क्यों दिया जाए? इससे सिर्फ ये पता चलता है कि केंद्रीय सरकार अपने जिम्मेदारियों से सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं। जो हमारा नया एडुकेशन पॉलिसी आया है, नया शिक्षा नीति 2020 का जो अगर हम देख पाए तो उससे साफ पता चलता है कैसे हायर एडुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर NTA, NRF जैसे संस्थाओं के द्वारा कैसे हमारे उच्च शिक्षा के साथ साथ सारे शिक्षा को ही शिक्षा का केंद्रीयकरण किया जा रहा है। एसटी कम्युनिटी से आने वाली दलित एवं आदिवासी छात्राओं का इनरोलमेंट लेवल का हालत भी काफ़ी संगीन है। उसका आंकड़ा अगर हम देखें तो देख पाएंगे कि एससी कम्युनिटी से जो छात्र प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा लेने वाले छात्रों का संख्या सिर्फ 19.34% है। माध्यमिक स्तर पे वो 18.6% हो जाते हैं घट के, एंड 12वीं तक पूरा करते करते सिर्फ 17.35% बच्चे ही रह जाते हैं जो 12वीं कक्षा तक पूरा कर पाते हैं दलित छात्र से। एंड अगर हम ST कम्युनिटी का देखें, आदिवासी छात्रों में इसका हालत और भी ख़राब है। प्रारंभिक स्तर पे सिर्फ और सिर्फ 10.35% बच्चे ही है जो प्रारंभिक स्तर पे भर्ती हो पाते हैं, शिक्षा ले पाते हैं। माध्यमिक स्तर पे आते आते वो 8.6% बच्चे रह जाते हैं, एंड 12वीं तक जाते जाते वो 6.8% बच्चे ही सिर्फ रह जाते हैं। हमारे नए शिक्षा नीति ऐसे गैर बराबर शिक्षा क्षेत्र में ऐसे गैर बराबरी को वो एग्जिट ऑप्शन के नाम से छुपाते हैं और छुपाए जाने का कोशिश करते हैं और उनको बढ़ाया भी जाता है। नया शिक्षा नीति अगर आप देखेंगे तो उसमें एक एग्जिट ऑप्शन है जिसमें क्लास 8 के बाद भी निकल जाने का बात बोल रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है ऐसे गैर बराबरी को वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग छुपाते हैं उन लोग, और इनको बढ़ावा दे के उसको एक फैंसी एग्जिट ऑप्शन का नाम दिया जा रहा है।